हेलो एवरीवन, वेलकम टू एविजन इंस्टीट्यूट। और मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले टीचर्स डे का आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। उससे पहले, जैसे कि आप लोग स्लाइड में देख पा रहे हो, एनटीपीसी एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुका है। तो काफ़ी सारे बच्चों को ऑलरेडी पता चल गया है कि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम डेट है वो हम लोगों का निकल के आ चुका है। और ये न्यूज जो है वो ऑफिशियल न्यूज आप कह सकते हो, और संभव आप इसको ऑफिशियल न्यूज नहीं भी कह सकते हो। कारण मैं बताता हूं। तो जो वीके यादव जी हैं, जो कि रेलवे बोर्ड के प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये न्यूज शेयर किया है। और उस न्यूज के अकॉर्डिंग वीके यादव जी रेलवे के चेयरमैन है, यहाँ पे रेलवे मिनिस्टर नहीं है लेकिन चेयरमैन है, बहुत ऊंची कद है उनका। तो उन्होंने ये कहा है कि इसी साल 2020 में ही हम लोगों का रेलवे का जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये ऐसा क्या हुआ कि हम लोग इतना जल्दी कर पाए? क्योंकि जो हम लोग हैशटैग चला रहे थे, उसी ट्विटर पे जो हम लोग ये स्ट्राइक चला रहे थे, उसी स्ट्राइक के अकॉर्डिंग ये जो सारा काम है वो हो पाया है। इसलिए मैं उन सारे टीचर्स को और उन सारे स्टूडेंट को एक बार थैंक यू कहना चाहूंगा, जितने लोगों ने इस मुहिम को उठाया था, जितने लोगों ने इस आंदोलन को छेड़ा था। तो कहीं ना कहीं हम लोग इसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देख पा रहे हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल का भी जो एग्जाम हो चुका था उसका भी एक रिजल्ट डेट निकल के आ गया है। तो रिजल्ट डेट आ जाएगा कुछ ही दिनों में। क्योंकि देखो, यहाँ पे सिंपल सिंपल बात है कि हमने आंदोलन किया और वो लोग रेस्पॉन्स किया, रेलवे भी रेस्पॉन्स किया, साथ ही साथ एसएससी जो है वो एसएससी भी रेस्पॉन्स किया। तो यहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि हम लोग जो आंदोलन चला रहे थे, जो हम लोग डिजिटल स्ट्राइक कर रहे थे अगेंस्ट आवर गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट से जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, हमारा एग्जाम कब आएगा, वो 50% सफल होने जा रहा है। यहाँ पे हम लोग ये नहीं कह सकते ये पूरा 100% सफल हो गया है। इसलिए साथियों, इसलिए हम, मैं सब स्टूडेंट से यही कहना चाहूंगा कि ये जो हम लोगों का आंदोलन है इसे रोकना नहीं है, इसे कंटिन्यू करते रहना है, ताकि एक्चुअल में एग्जाम भी हो, उसका फिर रिजल्ट भी निकले और साथ ही साथ रिक्रूटमेंट भी हो। अभी क्या हुआ है, अभी बताया गया है कि एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम के बाद रिजल्ट भी देना होता है, रिजल्ट के बाद रिक्रूटमेंट भी करना होता है, और रिक्रूट होने के बाद अल्टीमेटली ज्वाइनिंग भी देना होता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है किसी भी रिक्रूटमेंट एग्जाम में। तो यहाँ पे हम लोग अपना आंदोलन जो है वो जो ट्विटर पे चला रहे हैं उसको रोकेंगे नहीं, हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। और बाकी जितने भी सारे एग्जाम्स है वो सारे का जो डेट है, रिजल्ट डेट है, नोटिफिकेशन है, सब कुछ हम लोग दावा करेंगे और ये कंटिन्यूअस रहेगा। तो एग्जाम डेट कब निकल के आ गया, 15 दिसंबर से हम लोगों का सीबीटी 1 एग्जाम होने वाला है। और ये कुछ ही दिनों के बाद, लगभग आप मान के चल सकते हो कि 2-4 दिनों के अंदर ही एक्चुअल रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, जितना मुझे लग रहा है। लेकिन ये ऑफिशियल न्यूज नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट जो होता है, चेयरमैन जो होता है, वो बहुत बड़े पद के अधिकारी है, तो उन्होंने ये कहा है, तो इसे आप कंफर्म न्यूज समझ सकते हो। ठीक है, कोई इसमें धांधलीबाजी नहीं है, आपका 15 दिसंबर से एग्जाम हो जाएगा। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास आखिर कितना टाइम है कि हम लोग प्रिपरेशन को कंटिन्यू करके अच्छा एग्जाम दे पाए। तो अभी हो गया आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब करीब करीब आप मान सकते हो आपके पास 100 डेज पड़ा हुआ है। कितना दिन? 100 दिन पड़ा हुआ है। तो डेफिनेटली इसी 100 दिन के अंदर आपको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इस लॉकडाउन में बहुत लोगों का पढ़ाई भी छूट गया है। तो एविजन इंस्टीट्यूट आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता रहेगा। तो हमारे साथ आप लोग जुड़े रहे, अगर चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अपने दोस्तों के साथ इस न्यूज को शेयर करना चाहते तो अपने दोस्तों के साथ न्यूज को शेयर भी जरूर करें। तो इतनी सी बात थी, वीके यादव जी ने 15 दिसंबर को एग्जाम डेट डिक्लेयर किया है, 15 दिसंबर 2020 से रेलवे एनटीपीसी एग्जाम शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ फर्दर हम लोग ग्रुप डी का भी देखेंगे, जो ग्रुप डी भी उसी के उसके बाद ही हो जाएगा, मतलब एनटीपीसी एंड देन ग्रुप डी शुरू हो जाएगा।
तो मिलते हैं हम लोग किसी नए सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।